ऊपर गैंगस्टर लगाई गई है, जो मेरी मामी जी उनके साथ अभद्रता की गई है। यहाँ लड़ाई आई थी, कहते हैं कि योगी जी की सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, तो ये बिल्कुल सही है, सुरक्षित हैं। योगी जी की सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, मैं इससे पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि महिला मैं भी तो हूँ। पर आज मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर किसी एक महिला के पीछे पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जैसे कि राजेंद्र अग्रवाल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सांसद महेश शर्मा जी, अगर वो उनके साथ हैं तो वो महिला स्ट्रांग है। और अगर आज मैं एक महिला हूँ जिसके साथ पूरा सर्व समाज है, मेरे किसान भाई हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो हमारी आवाज़ छोटी है। ऐसा महेश शर्मा जी का क्या प्रेशर हो रहा है कि जो वो सारी मीडिया को खरीद रहे हैं, सारी मीडिया खरीद ली थी उन्होंने, क्योंकि मेरी बात को तो सुना ही नहीं गया था, जो मैंने कहा वो कहीं आई नहीं, सिर्फ वही वही बातों को बोला गया जो उन्होंने सुनवाना चाहा, उसमें से काट कर उस वीडियो में भी वो महिला आई, उस वीडियो में भी। बस मेरा यही कहना है कि सब चीज़ की जांच गहराई से की जाए। मेरे पति पर जो गैंगस्टर लगाया गया, 25,000 का इनाम लगाया गया, उसको हटाया जाए। मेरा घर जो तोड़ दिया गया उसको बनवाया जाए। अगर वो लीगल था, इलीगल था, उसको इलीगल कहा गया है, तो बाकी के जो 300 घर हैं उनको क्यों नहीं देखे हैं सब लोग? और आज पूरी कार्रवाई महेश शर्मा जी, वो क्यों बच रहे हैं? वो भी एक हमारी तरह इंसान ही तो है, एक सांसद से पहले तो वो एक इंसान है ना। तो जो अवैध संपत्ति है उनकी, जो उनके हॉस्पिटल के अंदर बाहर उनके बेसमेंट में टनल में इतने घोटाले हैं, उन पर क्यों जांच नहीं करी जा रही? CBI जांच हो। और आज मैंने अपने कुछ पत्रों के माध्यम से उन सब चीज़ों को दिया भी है, और मेरी गुजारिश है आप लोगों के माध्यम से हमारे माननीय योगी जी के पास ये जाए कि जो मेरे ये पत्र हैं उन पर कार्रवाई की जाए, और मेरे बच्चे और मैं जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं। पत्र में क्या क्या थोड़ा सा वो बताइए कि आपसे 10 कदम दूर पे हैं, अब आपका क्या प्रोग्राम है, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं अपने समाज के सभी भाइयों से पहले तो ये अनुरोध करूंगी कि शांति का सहयोग दें, शांति से। सच्चाई जो होती है ना, उसको चिल्लाने की या शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती, सच्चाई को जितना प्यार से कहा जाए उतना ज़्यादा सुनती है। और मैं ये कहती हूँ माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि जो महेश शर्मा एक छोटी सी गलती के लिए मेरा घर तोड़वा सकता है, और आज तो मैं अपने समाज के साथ अपनी आवाज़ उठाने आई हूँ,